25,000 का इनामी अपराधी मोहम्मद नदीम हत्याकांड के मामले में गोरखनाथ थाने से वांछित गोलू उर्फ वैभव एंड्रयू से क्राइम ब्रांच की एसओजी टीम गोरखनाथ चिलवाताल पुलिस के साथ रात में 10:15 के करीब स्पोर्ट्स कॉलेज के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश को गोली लगी। घायल अपराधी को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। आपको बताते चलें कि नदीम की आपसी रंजिश में 21 फरवरी को दिन में 12 के करीब गोलू और उसके 3 साथियों के साथ अंबेडकर पार्क गोरखनाथ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अन्य मुलजिम पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, यही बदमाश वांछित चल रहा था। पुलिस को इसके पास से 1 अदद लाइसेंसी पिस्टल प्राप्त हुई है, जो मोहम्मद नदीम की हत्या के कुछ दिन पहले खोया मंडी से पाया था और इसी पिस्टल से नदीम की हत्या की बात स्वीकार किया है। इस लाइसेंसी पिस्टल के संबंध में जांच किया जाएगा। अरे उठा लो, पूरा उठा के, पूरा ले लो, पूरा उठा, पूरा उठा, पूरा। अरे उठा लो, पूरा उठा के, पूरा ले लो, पूरा उठा, पूरा उठा, पूरा। ₹25,000 का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी वैभव गोलू, जिसने 21 फरवरी को गोरखनाथ थाना क्षेत्र अंबेडकर पार्क में नदीम की गंदाड़े सर पर गोली मार के हत्या कर दिया था, तब से लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर गोरखनाथ की टीम लगातार प्रयास कर रही थी। आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश किया, पुलिस मुठभेड़ में उसको गोली लगी है, पुरस्कार के पुलिस ने फायर किया, उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस कॉलेज के पास